कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत स्थित ग्राम बाहपानी के पास जंगल में तेंदू पत्ता संग्रहण कर पिकअप वाहन से लौट रहे 18 बैगा आदिवासी श्रमिकों का सड़क दुर्घटना में हुए दुखद निधन को लेकर भाजयुमो चरोदा मंडल एवं भाजपा महिला मोर्चा चरोदा मंडल द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार की शाम गोयल फर्नीचर भिलाई 3 से कैंडल मार्च निकालकर बाजार चौक भिलाई 3 में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कबीरधाम जिले ग्राम अंतर्गत ग्राम पंडरिया ब्लॉक पंडरिया के पास में यह घटना हुई है, जिसमें 19 ग्रामवासी जो कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, वह आकस्मिक निधन हो चुका है पिकअप के पलटने से। इसके कारण ये आज हम चौदह मंडल युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों में ध्यान देवे, ताकि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। ये जो घटना कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के मणिका गांव में हुआ है, तो इसकी क्षतिपूर्ति तो बहुत हुई है, बहुत ही हानि हुई है। इसके लिए मैं हम सब महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और हमारे पूरे वरिष्ठ जनों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित आज हम बाजार चौक में कैंडल मार्च के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये घटना ना हो, क्योंकि ये अभी 1.5 महीने पहले बिहारी में ये घटना हुई और सेकेंड घटना ये पंडरिया में। तो इस तरीके से घटना को रोकने के लिए हमको और शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कदम, ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई मजदूर वर्ग के लोग इस घटना के शिकार ना हो और किसी मासूम बच्चे के सर से माँ या पिता का साया ना छीने। इससे मैं शासन प्रशासन से इसके लिए जितना गंभीर से गंभीर विषयों पर चिंतन करें, इसके लिए मैं निवेदन कवर्धा जिला में पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत बाहपानी जंगल के आसपास तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूरों का पिकअप के पलटी होने से जो आकस्मिक निधन हुई है, जिसमें हमारे बैगा आदिवासी समुदाय के 19 लोगों की मृत्यु हुई है, जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और ये ऐसे लगातार घटनाएं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। हमारे जो मजदूरी करने वाले जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार मजदूरों को जानवरों की तरह, सामान की तरह भर करके पिकअप में ले जाते हैं और अपने लाभ लेते हैं। ऐसे मजदूर हमेशा असुरक्षित रहते हैं और उन 19 जो बैगा समुदाय के आदिवासी मजदूर थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज भारतीय जनता पार्टी चौदह मंडल के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाल करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। मैं शासन और प्रशासन से इस शांति मार्च के माध्यम से मांग रखता हूँ कि ऐसे घटनाएं, कुछ समय पूर्व हमारे कुम्हारी में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हुई और अभी भी जो ठेकेदार हैं वो मजदूरों को उसी तरह से पिकअप में लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। उनकी क्षमता से अधिक, एक एक पिकअप में 40 से 45 की संख्या रहती है और जब पिकअप टर्निंग में आती है तो सारे लोगों की छुपाव एक तरफा होती है, जिसके कारण पलटी हो जाती है। तो मैं शासन प्रशासन से इस शांति मार्च के माध्यम से मांग करता हूँ कि ऐसे वाहन चालकों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे मांग करने के लिए हम आज का शांति मार्च आए हैं।